चलो आ जाओ। तो क्लास 10th में हम लोग मैथ में एक्सरसाइज 15 लगा रहे हैं, तो आज उदाहरण हम लोग लगाएंगे, ठीक है, 11, 12, 13, 14 और 15। प्रयोगता निकालने का सूत्र हम लोग पढ़े हैं ना, कि अनुकूल घटना बटा में कुल घटना, जो घटनाएं घटित होंगी उसको ऊपर, और जो कुल घटना होगा उसको कहाँ रखेंगे, नीचे। प्रायिकता आपका निकल जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर आज का जो उदाहरण 15 हम लोग के पास है, 11, 12, 13, 14, 15। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहे बाबू। 11 नंबर यहाँ क्वेश्चन है, 11 नंबर इसका उदाहरण में, कि एक लापता हेलीकॉप्टर के बारे में। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ देते हैं, कह रहा है कि एक लापता हेलीकॉप्टर के बारे में सूचना मिलती है कि वह आकृति 15.2 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में कहीं गिर गया है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह आकृति में ही दर्शाई गई झील में ही गिरा है, ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह झील में ही क्या किया गया है, गिरा है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपका है, ठीक है। तो आओ पहले बताओ, हम चित्र बना देते हैं, पहले लिख देते हैं कि उदाहरण जो 11 है वो लिखते हैं कि एक लापता हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर एक आयताकार क्षेत्र में गिर जाता है, तो इसका क्या प्रायिकता होगा, इसकी क्या प्रायिकता होगा कि वह आयताकार क्षेत्र में ही गिरा है, आयताकार क्षेत्र में ही गिरा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। देखो बाबू आपको हम हल कर रहे हैं, फलचित्र भी बना देते हैं, इस तरीके से बनाया गया है, यह आयताकार हिस्सा है जिसकी लंबाई 9 किलोमीटर है, जिसकी चौड़ाई 4.5 किलोमीटर है, और जो जहाज है इसके चारों एक झील भी बनाई गई, इस तरीके से झील है ये, और यहाँ से इस झील की जो दूरी है 2 किलोमीटर है, यह लेक लेक बना होता है, झील है, जहाज इसी एरिया में गिरा है, ये एरिया खाली बचा है ना, इसी एरिया में गिरा। तो देखो हेलीकॉप्टर तो आप जानते होंगे कि आयताकार हिस्सा में गिरा है, तो आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, आयताकार भाग का क्षेत्रफल, पढ़े भी होंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई 9 है, चौड़ाई 4.5 है, 9×45, 9×36, 40, 40.5 और यहाँ पर मीटर स्क्वायर का, ठीक है। और क्या कहा, अब झील का वास्तविक क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, झील का वास्तविक क्षेत्रफल, तो पूछे झील का वास्तविक क्षेत्रफल कहाँ होगा, तपड़े ना लंबाई गुणा चौड़ाई। अच्छा खूब ध्यान से देख रहा है तुम लोग को,
यहाँ से इसकी दूरी 6 दी है, तो बताओ ये पूरा 9 है, तो ये कितना बचेगा बताओ, 3 बचेगा ना, अरे पूरा कितना है, 4.5 है, तो कितना होगा 2.5, तो क्या लिख सकते हो, 2.5 हुआ 3 लिख सकते हो ना, 25 तरह 75 7.5 मीटर है। चलिए तो अब यहाँ पर लिख लेंगे हेलीकॉप्टर गिरने की प्रायिकता, गिरने की प्रायिकता इतना जो है 7.5 ऊपर रहेगा और ये 40.5 है नीचे, 75/4.5 4.5 में भाग दिया जाएगा ना, चेक कर दो 15 से काट दो, 15/75 15 × 15 = 30 105 15 × 105 तो 5/27 इसका आ जाए, समझे बताओ। ये झील वाला जो हिस्सा होगा वो गिर जाता है, तो झील वाला ऊपर रहेगा, कुल क्षेत्रफल कहाँ रहेगा, नीचे पूरा ये 9 दिया है और यहाँ ऊपर जो झील है उससे दूरी 6 है, तो 3 ही होगा, 2.5। चलो अब आते हैं हम लोग बाबू उदाहरण 12 के पास, उदाहरण 12 के पास आते हैं, देखो समझ में आएंगे। उदाहरण 12 हमसे ही कहता है कि एक डिब्बा में 100 कमीज है, कोई डिब्बा है उस डिब्बा में 100 कमीज है, जिसमें से 88 अच्छी है, 8 थोड़ी सी खराब है और 4 बहुत अधिक खराब है। पूरा 100 कमीज है, 88 अच्छी है, 8 थोड़े से खराब है, 4 बहुत अधिक खराब है। एक व्यापारी जिम में वही कमीज स्वीकार करता है, यानी वही कमीज खरीदता है जो अच्छी प्रकार की है, जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीजों को खरीद स्वीकार अस्वीकार करती है जिसमें खराबी है अधिक है। तो इस डिब्बे में एक कमीज को यदि इच्छापूर्वक निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, जो जिमी को स्वीकार है, जो जिमी को माने स्वीकार का मतलब है कि वो अच्छा वस्तु को खरीदता है, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 88/100 हो जाए, क्योंकि 88 जो कमीज अच्छे हैं कुल कमीज 100 है, तो 88/100 हो जाएंगे। सुजाता को स्वीकार है, जो सुजाता है ना वह वही कपड़ा खरीदती है जो कहती है कि अस्वीकार है, इसका मतलब है कि जो बहुत अधिक खराब है वो नहीं खरीदती है, बाकी जो बचता है उसको खरीद लेती है, तो जो बहुत अधिक खराब है उसको हटा देंगे, जैसे जो बहुत अधिक खराब है वो स्वीकार नहीं करती है यानी वो नहीं खरीदती है, आज जितना बचता है उसमें से कोई खरीद सकती है, तो 4 को हटा देंगे, 4 को नहीं खरीद रही है, बाकी जो 96 का बचेगा उसकी प्रायिकता होगी। तो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ कि एक डिब्बे में, समझना ध्यान से बाबू, 100 कमीज है, एक बैपा अच्छा जिसमें 88 अच्छे हैं, 8 कम खराब है तथा 4 बहुत अधिक खराब है, तो इसकी प्रायिकता बताइए। पहला, जब कमीज अच्छा हो तब प्रायिकता, जब कमीज अच्छा होगा तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, 88/100 और 4 से काटोगे तो ऊपर 22 नीचे 25 तो 22/25 हो जाएगा। सेकेंड,
जब कमीज बहुत खराब हो, बहुत खराब होता था, इसे नहीं खरीदा जाता है। अप्राविकता चार गुना ही खरीदता है, सबसे खराब है, बाकी 96/100 हो गया। 14 से करो, 14 96 नहीं, 56 होता, 4 से काटोगे, 4 दुना 8, 4 से 24 25 आंसर है। बोलो, समझ आया? जो आप लेंगे वही ना होगा, तो लेती ही नहीं है जो सबसे अच्छी खराब है वस्तु है, वो वही लेती है जो अच्छे हैं और थोड़ा सा खराब है। हाँ चलिए, उदाहरण नंबर 13 है बाबू। एक स्लेटी पासा और एक नीले पासा को एक साथ फेंका जाता, स्लेटी माने भूरा, दो पासा है, एक स्लेटी को और एक नीला पासा को फेंका जाता है, सभी संभावित परिणामों को लिखिए। 36 परिणाम होंगे जब दो पासा फेंके जाएंगे तो। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दोनों पासों का योग एक बार 8 हो, एक बार 13 हो, 12 से छोटी या इसके बराबर। सुनो क्वेश्चन ही कहा है, क्वेश्चन नंबर 13, उदाहरण 13 है कि जब उदाहरण 13 है जब एक स्लेटी पासा और एक नीला पासा को फेंका जाता है, तो कुल परिणाम लिखिए। तो पहले एक काम करते हैं, हल करते हैं, कुल परिणाम लिख लेते हैं। एक क्या आ सकता है, एक दो आ सकता है, एक तीन आ सकता है, एक चार, एक पाँच, एक छः, दो एक, दो दो, दो तीन, 36 का आएगा बाबू। अच्छा, 3 1 3 2 तीन तीन पासा की बात है, इसलिए 3 5 3 6 4 4 2 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 पहला, जब दोनों पासे पर योग 8 होता प्रायिकता, जब दोनों पासों पर योग 8 हो तब प्रायिकता, जब दोनों पासों पर योग 8 हो तब प्रायिकता कितना होगा बाबू? जब दोनों पासों पर योग कितना हो 8 हो तब प्रायिकता में, तो होगा कितने हैं देखो, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक दो तीन चार पाँच गो है, तो 5 8 36। अच्छा बहुत आसान था। दूसरा है कि जब दोनों पासों पर योग 13 है, माने जोड़ला पर दोनों का योग 13 आता है, जब दोनों पासों पर योग 13 हो तब प्रायिकता है, हाँ ये तो 13 होगा ही नहीं, तो 0 आ जाए। तीसरा कि
बड़ी से छोट 12 से छोटी या उसके बराबर का प्रायिकता बनाना, 12 से छोटी और इसके बराबर की प्रायिकता, नहीं तो पूरा 36 हो जाएगी। करें बराबर माने 12 के बराबर और उससे छोटी, तो 36 बटा 36 पूरा 36 हो जाएगा, छोटा है कट गया ये। तो इसको नोट कर लो, आराम से नोट करो।